हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। यूजुअली मैं किसी से भी पूछती हूँ, चाहे वो लॉ फील्ड से हो चाहे कॉमन मैन हो, वो लोग यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में, कॉम्प्लिकेटेड लॉज के बारे में बात करना पसंद करते हैं। मैं अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स से अगर सजेशन लेती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो कवर करूँ, तो वो लोग यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड लॉज जानना चाहते हैं, जैसे कि मैम रेप के क्या लॉज हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्या सेक्शंस हैं, थेफ्ट से रिलेटेड लॉज क्या हैं, रॉबरी से रिलेटेड लॉज क्या हैं। लेकिन हम लोग सिंपलेस्ट चीजें मिस कर देते हैं, और वही सिंपलेस्ट चीजें जो हम लोग को लगता है कि दे आर कम्प्लीटली नॉर्मल, दे आर लीगल और वो इलीगल भी हो सकती हैं। तो कॉमन मैन इंक्लूडिंग लॉ मैन ऑल्सो सिंपलेस्ट चीजें मिस करने की वजह से उनको पता ही नहीं होता है कि ये जो सिंपल चीजें हम कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ये भी इलीगल हो सकती हैं, ये भी क्राइम हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग वन ऑफ सच थिंग्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग मूवीज देखने जाते हैं तो यूजुअल सी बात है, इट्स सो कॉमन कि कॉमन लोग नॉर्मल स्नैप्स बना रहे होते हैं बैठ के, हैशटैग वॉचिंग कबीर सिंह, हैशटैग वॉचिंग एनी अदर मूवी, सिम्बा कोई भी मूवी हो सकती है ना। और कई लोग तो फुल मूवीज रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने मोबाइल कैमरा या किसी और रिकॉर्डिंग डिवाइस से, एंड दे कॉमनली नेचुरली पब्लिश इट ऑन यूट्यूब और एनी अदर ब्रॉडकास्टिंग साइट, राइट। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये चीज इलीगल है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई चीज शेकी हैंड्स, लो पिक्सल्स और एक्सटर्नल वॉइस के साथ अवेलेबल है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वही मूवी आपको PVRs में बहुत ज्यादा पे करके देखने को पड़े, तो व्हाट वुड यू चूज? ऑब्वियसली यू वुड चूज द थिंग व्हिच इज अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको बता दूं कि इट इज कम्प्लीटली इलीगल टू डू, राइट। लेकिन इसके लॉज और अंडर विच लॉ इट इज पनिशेबल, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि व्हाट इज पायरेसी। पुराने जमाने में पायरेट सुना होगा आप लोगों ने, तो पायरेट्स जो होते थे वो शिप्स में, दूसरों के शिप्स में चढ़ के उनका सामान लूटते थे, इसको कहा जाता था पायरेसी। लेकिन आज के जमाने में अगर हम किसी का कॉपीराइटेड या ट्रेडमार्क्ड कंटेंट उसकी परमिशन के बिना यूज करते हैं या आगे पब्लिश करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पायरेसी। एंड दिस रिकॉर्डिंग ऑफ मूवीज इन थिएटर्स इज कॉल्ड कैमकॉर्डर पायरेसी। इसको अमेंडेड सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 में पनिशेबल बताया गया है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको अगर आप ये कर रहे हो, देन यू कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर अप टू 3 years और आपको फाइन पे करना पड़ सकता है अप टू ₹10 lakhs। आई होप आपको ये चीज नई सीखने को मिली हो और वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचा हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।